कांके के बीजेपी विधायक समरीलाल एक बार फिर अपने जाति आरक्षण को लेकर सुर्खियों में है। कांग्रेस पर दलित राजनीति करने का आरोप लगाते हुए समरीलाल ने अपने दर्द को भी बयां कर बैठे। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक पर गलत कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की हाथरस घटना के बाद अब झारखंड में भी दलित मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हो गई है। सिरामिक कोटिंग व टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ियों की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीनों से करते हैं हम हैं कालरा टायर्स। हमारे खड़पकना और हनुमान मंदिर कोकर स्थित सेंटर्स पर अवश्य पधारें। कालरा टायर्स 34 हजारीबाग रोड खड़पकना रांची नियर हनुमान मंदिर कोकर चौक रांची। बीजेपी विधायक समरीलाल पर कांग्रेस ने गलत कास्ट सर्टिफिकेट लेने का आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर पलटवार किया और दलितों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाथरस की घटना पर कहती है कि हम दलितों के समर्थक हैं, वहीं जब एक दलित चुनाव जीतता है तो कांग्रेस अपना दोहरा चरित्र दिखाते हुए हाईकोर्ट में केस करता है। जाकर नाटक करे, प्रियंका जी नाटक कर रहे हैं और वही कांग्रेस पार्टी समरीलाल वाल्मीकि मैं हूँ, उसी वाल्मीकि परिवार से हूँ और उस वाल्मीकि परिवार से मैं जब चुनाव जीता तो कांग्रेस हाईकोर्ट में केस की है मेरे ऊपर। एक तरफ कहते हैं वाल्मीकि समाज की बच्ची को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज के लड़के को हाईकोर्ट में केस किया है। ये हरिजन नहीं है, दलित नहीं है, तो इस तरह के इसका दोहरा चरित्र आप देख रहे होंगे कांग्रेस का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जिस तरह केवल नाटक कर रही है रोड पर जाकर, नाटकबाजी पार्टी है भी और चोर जो होता है ना ज्यादा शोर मचाता है, वही चोर मचाए शोर। वही कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुरेश बैठा ने आरोप लगाया है कि समरीलाल दलित जरूर है लेकिन गलत कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है। आपको भंगी कहा गया, हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि आप भंगी है, अनुसूचित जाति में आप आते हैं, इसका भी हम मानते हैं, लेकिन लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, जो झारखंड सरकार ने जो जो निर्धारित किया है मापदंड, वो आपने पूरा नहीं किया है। उसका मेरे पास प्रमाण है, आपने न खतियान दिया है, खतियान का कोई कॉपी दिया है, न जमीन का कोई एविडेंस दिया है। 1950 से पहले, 1950 के बाद का सर्टिफिकेट्स आप हैं, ये निधि खरे के द्वारा ये जारी किया, अध्यादेश जारी किया गया कि 1950 से पहले की आपको एविडेंस दिखानी। विधायक समरीलाल भाजपा के टिकट से 2019 में हुई कांके विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा दूसरे नंबर पर थे। समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। बहरहाल मामले में फैसला हाईकोर्ट को देना है, लेकिन दलित राजनीति के बहाने एक बार फिर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लगी है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन की रिपोर्ट। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर, खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम। हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड बीआईटी एक्सटेंशन लालपुर रांची। कॉल 920-485-800/01/02/03/04, ईमेल sbbm17@gmail.com।